नमस्ते विद्यार्थियों, मेरा नाम राजेंद्र जसूजा है। मैं भोपाल के वर्चुअल क्लासरूम से आप सभी का स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है, आज कक्षा 12वीं की वाणिज्य संकाय की क्लासेस आपको वर्चुअल क्लास के माध्यम से दी जा रही है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत कक्षा 12वीं का नियोजन अध्याय बताऊंगा। विद्यार्थी, जैसा कि आपको मालूम है, कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन यानी बिजनेस स्टडीज में जो हमारी फोर्थ यूनिट है, चतुर्थ इकाई, वह नियोजन है। हम ये भलीभांति परिचित हैं कि प्रबंध का प्रथम प्रमुख कार्य है नियोजन। जैसा कि हम अच्छी तरह जानते हैं, वो ये कि प्रबंध के तीन स्तर निर्धारित किए गए हैं, उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध। इन तीनों स्तर के प्रबंधकों को अलग अलग कार्य संपादन निश्चित समय सीमा में करने होते हैं और प्रत्येक वर्ग को अलग अलग कार्य पूर्ण कुशलता के साथ संपन्न करने होते हैं। यह तो एक उपक्रम की बात रही। विद्यार्थियों, हम अपने जीवन की अगर बात करते हैं तो हम हमारे दैनिक जीवन में भी एक सामान्य कार्य को करने से पूर्व भी हम उसको कब और कैसे करेंगे ये निर्धारित करते हैं। अर्थात हम भी उस कार्य को करने से पहले हमारी योग्यता के अनुसार नियोजन तैयार कर लेते हैं और फिर पूरा कार्य उसी के अनुसार करते जाते हैं। ऐसे ही उपक्रमों में वार्षिक लक्ष्य तय होता है। यह लक्ष्य गत वर्षों के सम्मक परिणाम, अनुभव, संसाधन, इन सबको ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है। आगामी वर्ष का लक्ष्य निर्धारित यदि हमने किया तो उसको निश्चित समय सीमा में हमें प्राप्त करना है। इस जटिल और महत्वपूर्ण कार्य के लिए हमें कब क्या कैसे करना है यह निर्धारित करना अत्यंत आवश्यक है। तो निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम कब क्या और कैसे करेंगे यह प्रक्रिया नियोजन कहलाती है। अब मैं आपको नियोजन का जो है आशय बताना चाहता हूं। नियोजन एक चयनात्मक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंधक निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु वैकल्पिक विधियों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन कर अपने कार्यों की रूपरेखा तैयार करता है तथा विभिन्न प्रबंधकीय कार्यों में समन्वय स्थापित करता है, वह नियोजन कहलाता है। ये एक आदर्श परिभाषा के रूप में भी अपन ले सकते हैं। आपको जो भी महत्वपूर्ण लगे विद्यार्थियों, आप कृपया उसको नोट करिए और यदि कहीं पर कोई डाउट आता है या कोई समस्या आती है तो नोट करिए, अपन अंत में आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो नियोजन एक चयनात्मक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंध निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, अर्थात जो हमारे लक्ष्य निर्धारित करे हैं उसकी प्राप्ति के लिए हमें क्या करना है, इसके लिए अलग अलग वैकल्पिक विधियां हैं। एक कार्य मुझे करना है तो उनमें से मैं किस विधि से करूंगा इसका चयन करना और फिर उसके आधार पर आगामी रूपरेखा तैयार करना ही नियोजन है। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण से बताना चाहता हूं। वैकल्पिक विधियों में से चयन करना, उदाहरण के लिए मुझे
मार्केट जाना है, मार्केट में पहुंचने के लिए अलग अलग तीन मार्ग हैं, उदाहरण ले रहा हूं। अब इन मार्गों में से हम किस मार्ग से जाएं कि कम समय में हम मार्केट पहुंच जाएं, तो हम देखेंगे कौन की दूरी सबसे कम है, कौन सा मार्ग अच्छा है और कहां पर भीड़ कम होती है। हम इन तीनों में से जो सर्वश्रेष्ठ है उसका चयन करेंगे और फिर मार्केट की तरफ रवाना होंगे। तो ऐसे ही निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें जो संपूर्ण क्रियाएं करनी है उसकी कई सारी वैकल्पिक विधियां उपलब्ध होती हैं। उनमें से एक विधि को चयन किया जाएगा। हमने प्रबंध के सिद्धांतों में प्रयोग का सिद्धांत पढ़ा है, उसके अंतर्गत भी यही बताया गया है कि सर्वश्रेष्ठ विधि का चयन कर फिर आगामी रूपरेखा तैयार करना ही नियोजन कहलाता है। तो ये आपको नियोजन का मैंने आशय स्पष्ट किया। आगे चलते हैं और हम देखते हैं नियोजन की विशेषताएं। देखिए, नियोजन के कार्य को हम अच्छी तरह समझते हैं कितना महत्वपूर्ण कार्य है। बिना नियोजन के सफलता प्राप्त करना असंभव है, अत्यंत जटिल है। तो नियोजन तैयार करने से पहले यदि हम उसकी विशेषताओं पर ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि हम निर्माण के समय पर कोई गलती ना करें। तो नियोजन की जो विशेषता है उसमें पहली है उद्देश्यों पर आधारित। नियोजन सदैव उद्देश्यों पर आधारित होते हैं, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही बनाए जाते हैं। विशेषज्ञ नियोजन तैयार करने के उपरांत ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन नियोजन बनता किस पर है, किसके लिए? केवल उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। तो नियोजन उद्देश्यों पर आधारित होते हैं। हम समय सीमा के अनुसार उद्देश्य निर्धारित करते हैं। जैसे कि आप लोगों का उद्देश्य है, विद्यार्थियों का, कि कक्षा 12वीं की जो मार्च में वार्षिक परीक्षाएं संपन्न होने वाली है उसमें हम 90% 95% 100% जो भी है हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं, और उसको प्राप्त करने के लिए हम नियोजन बनाते हैं कि हम किस प्रकार से प्रतिदिन पढ़ाई करेंगे, इस विषय को कितना कितना महत्वपूर्ण समय देंगे, जिससे कि समय से पूर्व ही सभी पाठ्यक्रम पूर्ण हो जाए, उसका रिवीजन भी हो जाए, हम इस तरह से परीक्षा दें कि हमारे को वार्षिक परिणामों में हमारे लक्ष्य के अनुसार अंक मिले। तो आपने जो योजना बढ़ाई पढ़ने की उसका आधार क्या था? आपके परिणाम, आपके प्रतिशत। ऐसे ही उपक्रम में जो नियोजन बनाया जाता है वो उद्देश्यों पर आधारित होता है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही नियोजन बनाया जाता है। अगले विशेषता पे आते विद्यार्थियों, यह पूर्वानुमान पर आधारित। पूर्वानुमान, हम अपने गत वर्ष के अनुभवों और आंकड़ों के आधार पर पूर्वानुमान लगाते हैं और उस पूर्वानुमान के आधार पर ही नियोजन बनाया जाता है। हम नियोजन के अंतर्गत भविष्य में झांकने का प्रयास करते हैं, जिससे कि भावी कठिनाइयों और अनिश्चितताओं का पूर्वानुमान लगाया जा सके। उसका फायदा क्या होगा? यदि हमने पहले से ही पता कर लिया कि हमें आगे जाकर क्या क्या कठिनाइयां आने वाली हैं, क्या क्या अनिश्चितताएं हो सकती हैं, तो हम उसके लिए पहले से प्रबंध कर लेंगे और नतीजा ये होगा कि जब हम नियोजन को अपना रहे और उसमें उस समय कठिनाइयां आई तो उसका समाधान आपने तय कर लिया है, आप उसका समाधान कर लेंगे। अगर अनिश्चितता आती है तो आपके पास उसका हल आपने पहले से ढूंढ के रखा है। तो हमें वास्तविक नियोजन के पालन के समय पर यदि कठिनाइयां आती हैं तो हम उस समस्या को आसानी से हल करते हुए
तेजी से आगे की ओर बढ़ेंगे। अगली विशेषता पर चलते हैं, वो है सर्वोत्तम विकल्प का चयन। ये नियोजन की तीसरी विशेषता है। नियोजन हम किसी एक क्रिया के माध्यम से पूर्ण करेंगे। यदि हमारे पास कई सारे विकल्प हैं, तो विशेषज्ञ उसमें से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करके नियोजन बनाते हैं, जिससे कि उसी के अनुरूप नीतियां और कार्य विधियां तय की जा सके, निर्माण की जा सके। विशेषज्ञ अपने प्रयासों से विश्लेषण करके सर्वोत्तम विकल्प का चयन करते हैं और उसके आधार पर नियोजन का निर्माण करते हैं, जिससे कि हम उसी के अनुरूप, उसी के आवश्यकता के अनुसार ही नीतियां और कार्य विधियां तय कर सकें। तो विद्यार्थियों, नियोजन सर्वोत्तम विकल्प का चयन कर ही बनाया जाता है। अगली विशेषता जाते हैं, वो है सर्वव्यापकता। नियोजन एक ऐसी क्रिया है जो विश्व के सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। नियोजन में सर्वव्यापकता का गुण पाया जाता है। यह प्रबंध के सभी स्तरों पर पाया जाता है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जहां पर नियोजन उपयोग में ना लाया जाता, चाहे वो स्कूल हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, हॉस्पिटल हो, सेना हो, घर हो या हमारा व्यक्तिगत जीवन। हमें नियोजन की नितांत आवश्यकता होती है और हम अपनी आवश्यकता के अनुरूप नियोजन बनाकर उसका पालन करते हैं। नियोजन पूरे विश्व में हर क्षेत्र में पाया जाता है, तब व्यवसाय में तो अत्यंत आवश्यक। विद्यार्थियों, प्रबंध के हर स्तर पे नियोजन की नितांत आवश्यकता है। यह प्रबंध के सभी स्तर में पाया जाता है और सभी स्तर के प्रबंधक नियोजन का 100% पालन करते हैं, लेकिन कब? निर्माण करने के बाद नियोजन बनाएंगे फिर उसका पालन भी करते हैं। और यह प्रत्येक स्तर में पाया जाता है, सर्वव्यापकता गुण होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगली विशेषता पे आते हैं, समन्वय। विद्यार्थियों, नियोजन तभी सफल होगा यदि उपक्रम के विभिन्न विभागों के बीच में उचित समन्वय होगा। जैसे कि हम जानते हैं, एक उपक्रम में अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे क्रय विभाग, विक्रय विभाग, वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग आदि आदि। तो ये जो अलग अलग विभाग हैं, इनके बीच में उचित समन्वय होना जरूरी है, तभी नियोजन प्रभावपूर्ण होगा, प्रभावशाली होगा। तो नियोजन इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि समस्त विभागों में आदर्श समन्वय हो, मधुर संबंध बन रहे, समन्वय आदर्श हो, क्योंकि सब विभाग का एक ही मूलभूत उद्देश्य है कि उच्च स्तरीय प्रबंधक द्वारा जो संस्था का लक्ष्य बनाया गया है उसको प्राप्त करना। तो नियोजन इस प्रकार से निर्माण किया जाता है जिससे कि विभिन्न विभागों में उचित समन्वय बना रहे, उनके बीच में एकता बनी रहे, उनके बीच में मधुर संबंध बने रहे और सब मिलकर एक साथ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े। तो विद्यार्थियों, ये जो हमारा था विशेषता थी इसकी नियोजन की। प्रश्न अगर परीक्षा में इस प्रकार से आता है कि नियोजन की तीन विशेषताएं बताइए, तो आप केवल तीन बिंदुओं की व्याख्या करिए। इसके पीछे ये मूलभूत उद्देश्य है, समय सीमा निर्धारित है, पूरा प्रश्न पत्र 3 घंटे में करना है। तो जो जो आपसे कहा गया है हम वही उतना ही करें। विद्यार्थियों, अब हम पढ़ेंगे नियोजन के उद्देश्य। नियोजन के निर्माण के पीछे कई उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही नियोजन बनाया जाता है।
नियोजन लाभकारी है, महत्वपूर्ण है। यही तो कारण है कि सर्वव्यापकता का गुण इसमें होता है, संपूर्ण विश्व में इसको प्रयोग में लाया जाता है। यदि इसके लाभ ना होते तो हर कोई इसको प्रयोग में नहीं लाता। हम स्वयं आपको मैं उदाहरण भी दे चुका हूं कि नियोजन अति महत्वपूर्ण कार्य है। इसके क्या उद्देश्य है ये हम देखते हैं। पहला उद्देश्य विद्यार्थियों विशिष्ट दिशा प्रदान करना, कार्य करना है समय सीमा में करना है तो किस दिशा में बढ़कर करें। तो नियोजन हमें विशिष्ट दिशा प्रदान करता है जिससे कि हम समय सीमा में कार्य पूर्ण कर सकें। नियोजन कार्य विशेष के निष्पादन के लिए आवश्यक भावी रूपरेखा बनाकर उसे एक विशिष्ट दिशा प्रदान करता है जिससे कि संबंधित इकाइयां पहले वो कार्य करें जिसकी पहले जरूरत है और वो कार्य बाद में जो अभी आवश्यक नहीं है। यानी हम आवश्यकता के अनुरूप क्रम निर्धारित करते हैं। तो कार्य विशेष के निष्पादन के लिए जो आवश्यक भावी रूपरेखा बनानी है उसके लिए विशिष्ट दिशा निर्देश हमें नियोजन प्रदान करता है। देखिए अगर हमें कब क्या करना है ये नहीं मालूम है तो हो सकता है कि हम जल्दीबाजी में वो काम पहले कर बैठे जो बाद में करना था। तो ऐसा न हो इसके लिए नियोजन अत्यंत आवश्यक है। अगला है क्रियाओं में एकता पैदा करना। उपक्रम में कई सारी क्रियाएं एक साथ लगातार की जाती हैं। नियोजन का उद्देश्य संस्था की विशिष्ट क्रियाओं में एकता पैदा करना है जिससे कि आपस में कलह मतभेद उत्पन्न न हो और हमारा जो लक्ष्य है वो भटके नहीं। यह ऐसी एकता हमारे सम्मुख लाती है कि नीतियों के क्रियान्वयन में कोई परेशानी नहीं आती। यदि प्रत्येक क्रिया हर कोई अलग अलग हिसाब से करेगा, मतभेद के अनुसार करेगा तो हम आपसी कलह को सुलझाएंगे या समय सीमा में कार्य पूर्ण करेंगे। अतः ये आवश्यक है नियोजन हो। नियोजन क्रियाओं में एकता पैदा करता है जिससे कि समय सीमा में कार्य पूर्ण हो। अगला उद्देश्य जानकारी प्रदान करना। नियोजन समस्त संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों को आवश्यक जानकारी भी प्रदाय करता है। उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा नियोजन की प्रतियां जो तैयार की गई हैं हार्ड कॉपी यानी कागज के माध्यम से या सॉफ्ट कॉपी मेल के माध्यम से सभी कर्मचारियों को पहुंचाती है। यानी सभी कर्मचारियों को यह ज्ञात रहे कि नियोजन क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल की गई हैं और कर्मचारियों को भी संपूर्ण ज्ञान हो। नियोजन के माध्यम से संस्था के भीतरी एवं बाहरी व्यक्तियों को उनके लक्ष्यों तथा उन्हें प्राप्त करने की विधियों की जानकारी प्रदान की जाती है। प्लानिंग में यानी नियोजन के अंतर्गत प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कंपलसरी है। कब क्या कैसे करना है ये नियोजन बताता है। इंटरनल जो रिसोर्सेस हैं, इंटरनल पार्टीज जो हैं, यानी भीतरी सदस्य वो है हमारे कैंपस के अंतर के लोग, उन्हें भी पूरी इंफॉर्मेशन दी जानी कंपलसरी है। ऐसे जो बाहर के लोग हैं यानी एक्सटर्नल ग्रुप्स आउट ऑफ द बाउंड्रीज, उन्हें भी ये आवश्यक है कि उनसे रिलेटेड उनसे संबंधित जो जानकारी उन्हें दी जाए। नियोजन
इस प्रकार की इंफॉर्मेशन जानकारी सभी को प्रदाय करता है जिससे कि उन्हें भी संपूर्ण ज्ञान हो। देखिए मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूं, मैं आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूं। हमने जो प्लान बनाया उसमें इस बात का हमने उल्लेख किया है, पूरा क्लियर कट मेंशन किया है कि हम एक नई यूनिट उस क्षेत्र में उस शहर में स्थापित करने वाले हैं जिसका निर्माण कार्य इस समय शुरू होगा और वहां पर ये प्रोड्यूस किया जाएगा, ये उत्पादित किया जाएगा। अब ये जानकारी बाहरी व्यक्ति यानी वित्तीय संस्थाएं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी मालूम होंगे तो वो आपको लोन देने में या ऋण देने में सहूलियत उनको होगी। तो नियोजन इस प्रकार की इंफॉर्मेशन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ग्रुप के लिए प्रोवाइड कराता है। अगला आता है प्रबंध में मित व्ययिता। देखिए इकोनॉमिकल होना कितना कंपल्सरी है, हम क्यों अनावश्यक खर्चे करें, एक्सपेंसिव होना नेगेटिव साइन है। ये आदर्श रूप तभी आएगा कि हम विद इन अ लिमिट जो हमारे रिसोर्सेज हैं हम उसी के अकॉर्डिंग काम करें, कोई भी पेमेंट्स अननेसेसरी ना करें, कोई भी फिजूल खर्ची ना करें। तो नियोजन ऐसे टिप्स देता है, ऐसे तरीके बताता है कि हम इकोनॉमिकल रहें, एक्सपेंसिव ना हो। इस प्रकार वो ना केवल हमको तरीके बताता है बल्कि हमें यह भी बताता है कि इसके लिए हमें क्या और कैसे करना है। नियोजन से सभी का ध्यान निर्धारित विधि के अनुसार काम करने की ओर लग जाता है। इसके परिणाम स्वरूप जो अपव्यय है उसके स्थान पर मित व्ययता आ जाती है। और नियोजन में इस प्रकार के भी एफर्ट्स किए जाते हैं कि स्क्रैप ना निकले, वेस्टेज ना हो, केवल वही एक्टिविटीज हो जो कंपलसरी है, जिससे हम जो अननेसेसरी पेमेंट्स है वो नहीं होंगे। तो प्रबंध के द्वारा नियोजन एक ऐसी क्रिया चुनी जाती है जिससे कि फिजूल खर्ची ना हो, मित व्ययिता रहे। अगले पॉइंट की ओर जाते हैं, पूर्वानुमान करना, एस्टिमेशन। यदि कहा जाए पूर्वानुमान नियोजन का सार है तो कोई गलत नहीं है। वास्तव में नियोजन का मुख्य उद्देश्य पूर्वानुमान के आधार पर ही वर्तमान की योजना बनाना है। हम पूर्वानुमान लगाते हैं, एस्टिमेशन करते हैं और उसके आधार पर, उसके बेस पर ही हम फ्यूचर प्लान प्रिपेयर करते हैं। आफ्टर द एस्टिमेशन ऑफ अ पर्टिकुलर टारगेट ऑफ वर्क अ फर्म प्रिपेयर प्लान फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। पूर्वानुमान लगाना, तय करना आसान कार्य नहीं है। ये एस्टिमेशन वर्क प्लानिंग डिपार्टमेंट यानी योजना विभाग, नियोजन विभाग गत वर्ष के आंकड़े यानी लास्ट ईयर के जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, एक्सपीरियंस है, उसके बेस पर लगाता है। तो ये विद्यार्थियों उद्देश्य थे हमारे काय के नियोजन के। हम इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, इन ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने के लिए ही तो प्लान को यूज करते हैं, लेकिन नियोजन बहुत फायदेमंद है, ये बहुत लाभकारी है। इससे हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं यानी नियोजन का महत्व, मीन्स इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट और नीड ऑफ मैनेजमेंट, अब हम विद्यार्थियों पढ़ेंगे। नियोजन साधनों के सदुपयोग के लिए अत्यावश्यक है, यानी जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसका बेटर यूटिलाइजेशन हो, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ प्लानिंग इन अ फर्म।
नियोजन के द्वारा ही हम साधनों का सदुपयोग करते हैं। नियोजन के कारण उपक्रम के साधनों का सदुपयोग होता है। क्यों? क्योंकि योजना का निर्माण जब किया जाता है तब हम उपक्रम के उपलब्ध भौतिक, मानवीय और वित्तीय साधनों को ध्यान में रखते हैं। हम केवल उतने ही साधन अरेंज करते हैं जितनी की जरूरत है, और अरेंज कितने करने हैं ये कौन बताता है? नियोजन विभाग। तो नियोजन हमें साधनों के सदुपयोग के बारे में बताता है। इट मीन्स बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। देखिए विद्यार्थियों, अगर जो हमारे साधन है अगर इनका बेटर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ तो हमें लॉस होना, हानि होना तय है। तो सबसे पहले हम केवल उतने ही संसाधन अरेंज करेंगे, रिसोर्सेज अरेंज करेंगे जितने की आवश्यकता है, जितनी हमारी नेसेसिटी है, और फिर उसको इस प्रकार से यूटिलाइज करेंगे कि रिजल्ट्स टाइम पर हो, अच्छे हो। यदि किसी शाखा में यानी ब्रांच में कुल कर्मचारी 5 आवश्यक हैं तो हम 5 ही सदस्य वहां नियुक्त करेंगे, और इसके उपरांत उन्हें इस प्रकार से कार्य आवंटित करेंगे यानी वर्क अलॉटमेंट करेंगे कि किसी के बड़ी ओवरबर्डन ना हो, ज्यादा कार्यभार ना आए, और वो हमें अच्छे परिणाम दें, कोई फिजूल ना बैठा रहे। अनावश्यक रूप से सैलरी क्यों देना? तो साधनों का सदुपयोग प्रबंध के द्वारा संभव है। दूसरा आता है विद्यार्थियों, लागत में कमी। उत्पादन किया जाए वो भी ऐसे कि कम लागत पर अधिकतम उत्पादन हो, मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट इज द मेन मोटिव ऑफ प्लानिंग। लेकिन ये कैसे संभव होगा? इट इज पॉसिबल ऑन द बेस ऑफ ओनली प्लानिंग फंक्शन। नियोजन के आधार पर ही यह संभव होगा कि कम लागत पर हम अधिकतम उत्पादन कैसे करें। तो इसके लिए विद्यार्थियों, नियोजन में जैसा कि अपन ने देखा था, वैकल्पिक विधियों का पहले विश्लेषण किया जाता है और उसमें से आदर्श विधि का चयन किया जाता है। हम बेस्ट अल्टरनेटिव को फाइनलाइज करते हैं आफ्टर द एनालिसिस ऑफ ऑल मेथड्स, फिर उसके बाद प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। नतीजा क्या आता है? मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है और वो भी मिनिमम कॉस्ट पर। किस बेस पर? केवल प्लानिंग बेस है। प्लानिंग के आधार पर ही, नियोजन के आधार पर ही हम लक्ष्य को न्यूनतम लागत पर प्राप्त करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, नियोजन के कारण ही उच्च प्रबंधकों को संस्था के साधनों की जानकारी हो जाती है। उन सभी साधनों का सदुपयोग किया जाता है, अपव्यय को रोका जाता है। इस प्रकार उत्पादन लागत और संस्था की संचालन लागत में कमी आ जाती है। यानी नियोजन में इस प्रकार के एफर्ट्स किए जाते हैं कि मिनिमम कॉस्ट हो। अगला लाभ है हमारा प्रबंधकीय कार्यों का आधार, बेस ऑफ मैनेजरियल फंक्शंस। किस मैनेजर को कब क्या कैसे करना है ये नियोजन में उल्लेखित है, और नियोजन के इस लाभ का फायदा सभी उठाते हैं। प्रबंधकीय कार्यों से जुड़े हुए हर व्यक्ति के पास ये पहले से मालूम है कि कैसे क्या करना है, किस प्रकार संगठन को गति देना है, किस प्रकार नियंत्रण करना है, यह सब नियोजन के अंतर्गत बताया जाता है। निर्देशन कैसे करना है, नियंत्रण कैसे करना है, अभिप्रेरण कैसे करना है यानी मोटिवेशन,
कंट्रोल, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन कैसे किया जाना है ये प्लानिंग में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया होता है। तो हमारे पास जब लिखित में है कि हमें कब क्या कैसे करना है, हम वैसे ही उसके आधार पर ही करेंगे ना विद्यार्थियों। तो प्रबंधकीय कार्यों का आधार नियोजन होता है। हमारे सामने स्टेप बाय स्टेप पूरी एक्टिविटीज लिखी है, टाइम ड्यूरेशन भी है, तो हम उसके अकॉर्डिंग पूरा काम करते जाएंगे। आपको करने का आधार मिल गया ना। तो यदि हम प्रबंधकीय समिति के सदस्य हैं और हमें पूरे वित्तीय वर्ष यानी पूरे कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर में करना है कुछ एक्टिविटीज, कब क्या कौन बताएगा, नियोजन यानी प्लानिंग। तो प्रबंधकीय कार्यों का आधार होता है नियोजन। अगली अपन जाते हैं, ये अपन उद्देश्य भी पढ़ा था विद्यार्थियों, अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना यानी मित व्ययिता लाना, ये उद्देश्य था किसका, नियोजन का। और जब हम देखते हैं कि अननेसेसरी एक्सपेंसेस पर कंट्रोल हो गया है, केवल उन्हीं पेमेंट्स को किया जा रहा है जो आवश्यक है। वर्कर जब काम कर रहा है तो कोई स्क्रैप नहीं निकाल रहा, वेस्टेज निकाल रहा, उसके लिए क्या कराएगा, ट्रेनिंग कराई गई। लेकिन ये सब जो कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं और क्यों, नियोजन में बताया गया है। नियोजन में पूरे टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल मैनेजमेंट को बताया गया है कि उन्हें क्या क्या करना है जिससे कि हम एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सके। तो वर्कर्स को ट्रेनिंग देना, उनका डेवलपमेंट करना, ये मेहनत पहले ही की जा चुकी है। अब प्रोडक्शन टीम के ऊपर नियोजन ने सुपरवाइजर रखा हुआ है जो सुपरवाइज कर रहा है, पर्यवेक्षण कर रहा है कि अगर कोई कर्मचारी प्रोडक्शन के टाइम पर वेस्टेज कर रहा है, स्क्रैप निकल रहा है ज्यादा, तो उसको वहीं पर नियंत्रण कर दिया जाएगा। तो ये सब प्रयासों से क्या होगा, जो हमारे अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं वो कंट्रोल होंगे, और जब पेमेंट्स कम होंगे तो नेचुरली अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हमारा बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि हमने अनुमान लगाया है। तो नियोजन मितव्ययिता लाने के लिए अत्यावश्यक है। अगले लाभ की ओर चलते हैं, कुशलता में वृद्धि। नियोजन कर्मचारियों के कुशलता में वृद्धि लाने के लिए प्रयास करता है। आगे जाकर विद्यार्थियों एक चैप्टर, एक अध्याय हम पढ़ेंगे, वह है स्टाफिंग, नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण के अंतर्गत बताया गया है कि कुशलता में वृद्धि लाने के लिए हम किस प्रकार से ट्रेनिंग दें, प्रशिक्षण दें। इसके लिए चार प्रकार की ट्रेनिंग अरेंज की जाती है, चार प्रकार का प्रशिक्षण हो सकता है। ये चारों प्रकार की ट्रेनिंग हम अपने वर्कर्स को दे सकते हैं जो जो जरूरी है। और जब हमने हमारे वर्कर्स को, हमारी पूरी टीम को पूरी ट्रेनिंग दी है, तो नो डाउट ईच एंड एवरी एम्प्लॉय वर्क एफिशिएंटली, बहुत अच्छी तरह से करेगा, कार्य कुशलता के साथ करेगा। क्योंकि देखिए काफी ज्यादा कंपटीशन है मार्केट में, हर कस्टमर ये चाहता है उसका ऑर्डर विद इन ए टाइम पीरियड, बहुत कम से कम समय में पूरा हो जाए। ये कब होगा, जल्दी से जल्दी कम से कम टाइम में प्रोडक्शन कम होगा, कब ऑर्डर कंप्लीट होगा, सप्लाई किया जाएगा, फुलफिल किया जाएगा, अगर एफिशिएंट वर्क करें। तो नियोजन में इस प्रकार के, प्लानिंग में इस प्रकार के पूरे अरेंजमेंट्स किए जाते हैं कि हमारे वर्कर्स एफिशिएंट हो, कार्य कुशल हो, बिल्कुल कुशलता पूर्वक कम से कम समय में कार्य संपन्न करके दें। इसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं और विकास यानी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स भी होते हैं। वर्कर्स का पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना भी बहुत जरूरी है कार्य कुशलता में वृद्धि के लिए, और नियोजन में इस प्रकार के अरेंजमेंट्स होते हैं।
विद्यार्थियों कार्य कुशलता में वृद्धि, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर देता हूं। आपका प्रश्न पत्र 3 घंटे का है और आपको उसमें पूरे क्वेश्चंस न केवल 3 घंटे से पहले कंप्लीट करने हैं, आपको शीट्स भी टैग करनी है, बांधनी है और एक बार रिव्यू देखना भी है, कोई चीज छूटी तो नहीं, अंडरलाइन करा कि नहीं करा, फर्क नोट्स दिए कि नहीं दिए। तो ये पूरा कार्य तभी होगा जब आप उस कार्य को करने के लिए कार्य कुशल होंगे। इसीलिए समय समय पर आपको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, प्री बोर्ड, सेकंड प्री बोर्ड अरेंज किए जाते हैं। टीचर्स बीच बीच में टेस्ट लेते हैं, हर माह टेस्ट आपका रखा जाता है और आपको बताया जाता है कि कब कितने समय में किस प्रकार क्वेश्चन करना है और कितने शब्दों में उत्तर आपको देना है। कितने प्रश्न ऐसे हैं जिसका उत्तर इतने शब्दों में, ऐसा प्रश्न कितने शब्दों में, आपको पूरा समझाया जाता है, बल्कि इसका डेमो भी आपको ब्लैक बोर्ड पे दिया जाता है। और फिर आप क्या उस कार्य के लिए एफिशिएंट हो गए, कार्य कुशल हो गए, इसके लिए हम बार बार टेस्ट लेते हैं और जो बच्चा समय सीमा में नहीं करता उसको बताए जाते हैं कहाँ गलती कर रहे हो, यहाँ पर तुम ज्यादा लिख रहे हो, यहाँ पर तुमने अननेसेसरी डायग्राम्स बना दिए। तो कार्य कुशलता में वृद्धि कैसे आई, ये मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया। तो नियोजन भी अपने टारगेट को, अपने गोल को अचीव करने के लिए एफिशिएंट करना चाहता है, अपनी पूरी टीम को इसके लिए वो 100% ऐसे अरेंजमेंट्स करते हैं कि हमारा पूरा टीम का एक एक मेंबर एफिशिएंटली वर्क करे और प्रॉपर रिजल्ट्स दे। तो नियोजन ही वो आधार है, प्लानिंग ही वो बेस है जो हमारे वर्कर्स को एफिशिएंट बनाता है। आगे चलते हैं नियोजन के तत्व यानी घटक, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होशंगाबाद में जो छात्र लोग बैठे हैं उनसे मैं निवेदन कर रहा हूं, अपने क्लासरूम पर एक डेकोरम मेंटेन करें, वहां पर जो स्रोत शिक्षक है वो भी ध्यान दें। होशंगाबाद में, होशंगाबाद के विद्यार्थियों से निवेदन कर रहा हूं, कक्षा में डिसिप्लिन में बैठे विद्यार्थियों, हम नियोजन के तत्व यानी घटक के बारे में बात कर रहे हैं। विद्यार्थियों, नियोजन के जो घटक है तत्व, ये न केवल हमारे पाठ्यक्रम यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब तक इन तत्वों को हम समझेंगे नहीं, सभी तत्वों को, कंपोनेंट्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, प्लानिंग बन नहीं पाएगा, नियोजन तैयार नहीं होगा। एक आदर्श नियोजन तभी तैयार होगा जब हम नियोजन के सभी कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स को इंक्लूड करें। तो नियोजन कई सारे तत्वों को लेकर बनाया जाता है, उनमें से पहला घटक है लक्ष्य यानी टारगेट। ये योजनाओं के अंतिम बिंदु होते हैं। बिना लक्ष्य के यदि योजना तैयार की गई है, बिना टारगेट के अगर प्लान प्रिपेयर किया गया तो इट मींस वी हैव लॉस्ट द मनी, टाइम एंड एफर्ट्स। बिना लक्ष्य के योजना बनाना गलत है, अनावश्यक है। लक्ष्य निश्चित होने चाहिए और परिणाम योग्य होना चाहिए। क्या मतलब इसका, इसका तात्पर्य यह है कि हम जितने हमारे संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं और जितनी हमारी कैपेसिटी है, हम उसके अकॉर्डिंग ही अपना टारगेट बनाएं। आपने कहावत सुनी होगी कि हम अपने पैर चादर को देख, चादर के अनुसार ही पैर को फैलाना है। तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जितने हमारे पास हैं, अवेलेबल है, उसके आधार पर ही, उसके बेस पर ही हम अपना टारगेट बनाते हैं। तो उपक्रम का लक्ष्य निर्धारित करना नियोजन ही प्लानिंग का प्रारंभिक बिंदु आता है। अगला आता है हमारा उद्देश्य यानी ऑब्जेक्ट। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उद्देश्य आवश्यक है।
उद्देश्यों के निर्धारण में भी योजनाओं की समस्त प्रक्रिया, जैसे सूचनाओं का एकत्रीकरण यानी कंपाइलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, विश्लेषण यानी एनालिसिस, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव यानी सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव, ये सब करना पड़ता है। उद्देश्य के आधार पर ही हम आगे क्रियाएं निर्धारित करते हैं और उद्देश्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। सामयिक अकॉर्डिंग टू टाइम हम अपना ऑब्जेक्ट डिसाइड करते हैं और ऑब्जेक्ट डिसाइड करना, ये मैंने आपको बताया, एक डिफिकल्ट टास्क है, एक कठिन कार्य है और उसके आधार पर ही हम संपूर्ण कार्य कर सकते हैं। अगला आता है व्यूहरचना यानी स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी मीन्स मोर्चाबंदी। विद्यार्थियों, आज के क्षेत्र में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है, हैवी कंपटीशन है मार्केट में। आप किसी भी प्रोडक्ट को ले लीजिए, काफी सारे प्रोड्यूसर बाजार में, जैसे हम कार की बात करें तो कार आप जानते हैं, जैसे मारुति बना रहा है, होंडा बना रहा है, फोर्ड बना रहा है, ऐसी कितनी सारी कंपनीज हैं, चाहे टोयोटा हो, मर्सिडीज हो, कितनी हैवी कंपटीशन है। एक कस्टमर के सामने कितने सारे अल्टरनेटिव्स हैं अगर वो कार परचेस करने जाता है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, मोबाइल। अगर हमें मोबाइल लेना है यानी हम कस्टमर ग्रुप में देखते हैं तो बाजार में कितने सारे कंप्यूटर्स कंपनीज अवेलेबल हैं, चाहे नोकिया या सैमसंग या HCL या एप्पल, आईफोन्स, ना जाने कितनी सारी कंपनी है। तो मैं आपको एग्जांपल देकर ये बताना चाह रहा हूं, कोई भी ऐसा एरिया नहीं है विद्यार्थियों जहां पर हैवी कंपटीशन ना हो। अब अगर कठिन प्रतिस्पर्धा है तो उस प्रतिस्पर्धा से जीतना भी तो हमें ही है, तो हम इस प्रतिस्पर्धा से कैसे जीतेंगे, इसके लिए हम क्या क्या कदम उठाएंगे, यही कहलाता है व्यू रचना। स्ट्रेटेजी मीन्स मोर्चाबंदी। हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं यानी प्रतियोगी जो हमारे साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, वो समय समय पर नई स्कीम्स लॉन्च करते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं कि हम साबुन बनाने के निर्माता हैं, साबुन बनाते हैं, और हमारा कॉम्पिटिटर है कई सारे। अब एक प्रतियोगी ने अचानक बाजार में नई स्कीम इंट्रोड्यूस कर दी कि तीन तीन साबुन पर एक फ्री, तो कस्टमर के सामने एक नया ऑफर आ गया, ग्राहकों के सामने, कि हम तीन लेंगे तो एक फ्री हो जाएगा। कोई भी ग्राहक इतनी बारीकी से नहीं देखता है कि जो तीन पीस के साथ एक फ्री है वो तीन पीस कितने ग्राम के हैं, लेकिन बाजार में तो एक नया ऑफर आ गया ना कि तीन पीस पर एक फ्री, तो हर उपभोक्ता चाहेगा कि मैं एक खरीदूं, एक फ्री मिल रहा है, मेरा फायदा है। तो आपके सामने आपकी बिक्री, आपकी मांग पर नकारात्मक असर आ जाएगा, तो हमें भी तुरंत इसका जवाब देना पड़ेगा। हम भी ऐसा कुछ नई स्कीम अपने उत्पाद के साथ दे देंगे कि अब उपभोक्ता के सामने दूसरा ऑफर भी आ गया। हमने इसके अलावा कुछ नया रख दिया कि तीन पीस लोगे तो ये उपहार फ्री, जैसे तीन साबुन के साथ एक शैम्पू फ्री, हम शैम्पू बनाते हैं। तो हमने पहले से विकल्प तैयार करके रखे होते हैं कि हमारे प्रतियोगी यानी हमारे कॉम्पिटिटर्स समय समय पर सेलिंग के लिए जो नए नए वो अल्टरनेटिव्स लाएंगे, विकल्प लाएंगे, तो हम उसका क्या जवाब देंगे। तो हमारे प्रतियोगियों से जीतने के लिए
हम पहले से अपने विकल्प तैयार करके रखते हैं, जिससे कि व्यावसायिक मैदान में उन्हें हराया जा सके। युद्ध में जब हम लड़ने जाते हैं तो हमारे पूरे एक प्रयास होते हैं कि हम कैसे युद्ध को जीतेंगे। इसी प्रकार से व्यवसाय भी अब विद्यार्थियों एक युद्ध से कम नहीं है, काफी अधिक कंपटीशन है, और इस कंपटीशन से जीतने के लिए हम जो रणनीति तय करते हैं, हम तय कर लेते हैं, वही कहलाती है व्यू रचना। विद्यार्थियों याला जो हमारा पीरियड है यहाँ पर हम समाप्त करते हैं और कुछ ही समय में आपके सामने अगला लेसन तैयार लेकर आऊंगा और इसको आगे कंटिन्यू करूंगा। धन्यवाद।